ओम शांति। आज 29 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने मुरली में बहुत गुह्य बात सुनाई है कि सभी धर्म पिताएं और जो भी दुनिया में महान आत्माएं हो गए उन सबका भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा की ग्रेटनेस बताई कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। साथ ही साथ आज बाबा ने मुरली के अंदर कर्मों की गुह्य गति को स्पष्ट किया है कि बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना है, कभी भी कोई भूल करके छिपाना नहीं है, नहीं तो वो पाप वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा और फिर कर्म श्रेष्ठ नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहे तुम्हें श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है और अपने कर्मों को सदा श्रेष्ठ बनाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेता तो उसका 100 गुना दंड पड़ता, पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, यह तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहां और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहां बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए, अर्थात इतनी खुशी होनी चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया है, अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। बाकी सारा बाबा कहे कर्मों पर ही मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसा कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छीछी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगड़
विषय वैतरणी नदी में वो देखाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है? हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना? तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है विष्णु का स्वरूप, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना, यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो, बेहद का बाप का भी पार्ट है। नई से पुरानी, पुरानी से नई बनाने का ये बाबा का पार्ट है। नई से पुरानी अपने आप होती है, लेकिन फिर बाबा का पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, सब मानते हैं, तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, शिव बाबा को आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे मनुष्य ने ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। जितना ये बातें सिमरण करते जाएंगे, बाबा की खुशी बढ़ती जाएगी। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं, यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हरेक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है।
फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं, कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें, जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या बनेंगे? उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं, माया आधा को तो एकदम खा जाती। इतने आते हैं लेकिन फिर कितने टिक पाते हैं? तो बाप जानते हैं, माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए। इसीलिए देखते हैं, कोई भी प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं, कितने लोग आते हैं, शिविर करते हैं, कोर्स भी कई लोग करते हैं, कुछ समय मुरली में भी आते हैं, फिर धीरे धीरे माया के परवश हो जाते हैं। तो बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हक कर लेती है, बहुत अच्छे अच्छे कह कर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं? हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। आज वह है नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, कौन सी बात, माया के साथ लड़ाई कैसे होती है, दुनिया में यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधेरे से सोचने में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं, अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो, हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। बाबा कहे, हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखला ना सके, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना, खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर चीची बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं, भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं। यहां मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। क्या सरनेम है हमारा इतना बड़ा? यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं,
शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा? वहां बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या? सूक्ष्म वतन में बच्चों को एडॉप्ट करेंगे क्या? किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है यह हमारा रथ है, शिव बाबा ने समझाया है यह हमारा रथ है, वहां जन्म के अंत में हमने ये आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है, पतित से पावन बनना कैसे है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, ताकत ही नहीं उनमें ये बातें कहने की जो परमात्मा बाप आकर कहते हैं। वो सबसे पहली बात बच्चे भी नहीं कह सकते हैं किसी को, और पवित्रता की बात भी नहीं कह सकते हैं। बाप समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटे पन में गांवड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो। आगे बुद्धिहीन थे, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, लक्ष्मी नारायण बाबा कहे ये पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गांवड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी है बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। पुरानी दुनिया में लड़ाई भी बाबा कहे देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता, तुमने डिमांड की है। क्या डिमांड की है? कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं, तुमको रास्ता बताता हूं। बहुत सहज रास्ता भी बाबा कितना सहज बताते हैं। क्या रास्ता बताया? मन मना भव। भगवान वाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, ये परमधाम का मालिक, ये विश्व का मालिक। शिव बाबा परमधाम का मालिक, श्री कृष्ण विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन भी संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों के लिए क्रिएट किया है, जहां हम बाबा के साथ बहुत सुंदर अव्यक्ति मिलन मना सके। बाकी सारा कल्प सूक्ष्म वतन होता ही नहीं, क्योंकि फिर वहां कोई कारोबारी नहीं। इसीलिए बाबा कही सूक्ष्म वतन संगम युग पर रचा जाता है तुम बच्चों के लिए,
जो आना जाना करते हैं, अव्यक्त मिलन मनाते हैं, बाकी भक्तों को साक्षात्कार खाली होता है। भक्त लोग वहां आना जाना नहीं कर सकते। तो बाबा कहे, सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं, बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी भी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे, क्या करें, रह नहीं सकते, रोज आता हूं, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेंगे, आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। ऐसे एक बच्चा था, बाबा के पास आता था, धारणा पर नहीं चलता था, बाबा को सच बताता भी था, लेकिन जब बाबा कहते फिर क्यों आते हो यहाँ पर, तो कहते यहाँ नहीं आऊंगा तो फिर उद्धार कैसे होगा। पता नहीं कौन सी बात आपकी वाणी की तीर की रीति से लग जाए और मैं एकदम सुधर जाऊं। बाबा कहे, अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उसी फीचर से पाठ रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल राजाई तो स्थापन होती ही है, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबर वार, यहां भी नंबर वार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता, एक का पार्ट एक ही जाने। अच्छा, मीठे मीठे सी किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है, अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना चाहिए, अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी। आज का मधुर वरदान है, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से
सहज किनारा हो जाएगा। आज का स्लोगन है नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। अच्छा, ओम शांति।